कोई डर जाएगी आपके साथ आपके चंद धमकियों से, हर एक एक आंसू गैस से नहीं, वो पीटीआई, वो पुरानी वाली पीटीआई नहीं थी, वही पुरजोर तरीके से आप लोगों को जवाब देगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एके आज़ाद, आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाजरीन, आज जैसा कि मौजूदा हुकूमत ने एक मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की और सियालकोट के एक पीटीआई के जलसे को नाकाम करने की कोशिश की, उस हवाले से पूरे मुल्क में इस वक्त जलसे का समा है। लाहौर लिबर्टी चौक पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ ख्वातीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या स्टांस है, मौजूदा हुकूमत ने जो आज मजहबी कार्ड खेला इस हवाले से उनका क्या स्टांस है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। फर्स्ट वन तो मैं जानना चाहूँगा कि आज हुकूमत ने जो मजहबी कार्ड खेला इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे हमारी मजहबी जो रवायात हैं वो जबजब का शिकार नहीं हो जाएंगी और इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा इससे? जी बिल्कुल प्रेशर बढ़ेगा, और ये जो मौजूदा हुकूमत है वो एक ट्विटर हैशटैग के पीछे बुकलाए हुए हैं, उनको एक ट्विटर हैशटैग जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो ऑन ग्राउंड कैसे वो लोग हुकूमत करेंगे? और वो तो हमेशा से ये सासुत करते रहे हमेशा से। इमरान खान आज हर सूरत सियालकोट में उन्होंने पहुंचने का वादा किया था, वो पहुंचे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमने ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पर पकड़ धकड़ हो वहाँ पर जो लीडर है वो पहुँचने की कोशिश करे? इमरान खान ने अपनी पूरी क्यादत को भी इंस्ट्रक्शन दी थी और ख़ुद भी पहुँचे, इस हवाले से आप उनके जज्बे को क्या कहना चाहेंगे? उनके जज्बे को सलाम है, और हम भी खान साहब के साथ खड़े हैं, उनके हम पीछे खड़े हैं, और वही जज्बा जो खान साहब के है वही जज्बा हमारे पास है, और जो वो हमें डराना चाह रहे हैं मौजूदा हुकूमत, उनको मैं ये आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये बताना चाहती हूँ, हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं, हम इसी जोश जब के साथ आपको जवाब देंगे। और खान का साहब, आपको क्या लगता है वही पुरानी डरपोक पीटीआई है, वही डर जाएगी आपके साथ आपके चंद धमकियों से, हर एक एक आंसू गैस से नहीं, वो पीटीआई, वो पुरानी वाली पीटीआई नहीं थी, वही पुरजोर तरीके से आप लोगों को जवाब देगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक दो तलक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। फर्स्ट वन तो ये कि आप हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जहाँ पे सीनियर सिटीजन भी थे, हमने उनसे भी बात की, आप लोगों पर एक इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पर डांस नाच गाना, तो हमें यहाँ पर ऐसा नहीं नज़र आता, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी ख़वातीन, यहाँ पे आपने देखा ही, आपने खुद ही यहाँ पर आपने जायज़ा लिया कि कितने पुरअमन और तरीके से कितनी डिसेंट ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं, और मैं ये कहती हूँ कि भई आप जो ख़वातीन को कहती हैं, आप मरियम नवाज़ हर जलसा क्राउड को कहती है क्राउड पुलर है, इसके बारे में आप लोग क्या राय करते हो? उसके बारे में आप कुछ नहीं कहते। और एक और इसी नौयत का क्वेश्चन, जो पीटीआई की ख्वातीन हैं सीनियर हमारी मुख्तलफ जगहों पर, उनकी वीडियो जो कि डंप की जाती हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे एक एज ए ख्वातीन? जी मैं एज ए ख्वातीन ये कहना चाहती हूँ कि भाई इनका जो है ना जो अटैक वो हमेशा ख्वातीन पे करते हैं, बिकॉज उनको वो लगता है कि ख्वातीन कमज़ोर है, और उनको ये दूसरी बात जो की चीज़ उनको ये एलिगेशन जो लगाते हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत करने के लिए, इनको कोई और चीज़ नहीं मिलती, ख्वातीन पे अटैक करती है, कोई झूठा मूठा केस बना के अटैक करते हैं, कभी कोई वीडियो बना के अटैक करती है, कि भाई कब तक इस तरह झूठे इल्ज़ाम लगाते रहोगे? जी मैम, आखिरी क्वेश्चन, इमरान खान की 4 साल हुकूमत, उसमें कौन सा ऐसा फैसला था जिस पर आपको खुशी हुई और उस पर आप फख्र महसूस करती हैं? जी भाई, उन्होंने जो मैं सबसे पहले जो उनका जो बहुत ज़्यादा मैं मुझे दिल से करीब, जो उनका जो फैमिली जो उनका काम जो उन्होंने किया वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने आवाज़ उठाई है हर प्लेटफॉर्म में, जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने आवाज़ उठाई है वो कोई और ना मौजूदा हुकूमत सिर्फ कर सकती है, सिर्फ इमरान खान ने ये कदम उठाया। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे पास हमारे साथ ही हमारी बहन मौजूद थी, उनका कहना था कि इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से जो जदोजहद की वो कोई भी हुकूमत माजी में ना कर सकी और ना आइंदा कोई कर सकेगी, इमरान खान इस्लाम का लीडर है, उम्मत मुसलमा का लीडर है, इसी हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख्वातीन को हरासा करती रहती हैं और सोशल मीडिया पर जो इल्ज़ाम लगते हैं कि ख्वातीन यहाँ पर नाच डांस के करती हैं, आके यहाँ पर हमने देखा हमें ऐसा कोई नहीं मिला, ये फेक और सबका जो जलसे जुलूस होते हैं वहाँ की जो वीडियोज़ होती हैं, पर्सनल
जो कि ख़वातीन विंग्स की तरफ से होती हैं, उनको एडिट और डंप करके अपलोड किया जाता है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।